नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम दही जमाएंगे। दही जमाना बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दही जमाना नहीं आता और वो हमेशा पूछते रहते हैं। तो आज हम उन बच्चों के लिए दही जमाएंगे। तो आइए देखें, दही जमाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। दही जमाने के लिए हमें दूध और थोड़ा सा दही। तो ये हमने 500 ग्राम दूध लिया है और एक छोटी चम्मच दही है। तो ये दूध को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। ये दूध हमने गर्म करने रख दिया है। तो दूध जैसे ही हल्का गर्म होगा, हम इसे दही जमा लेंगे। दही जमाने के लिए दूध हमें फुल क्रीम और गाढ़ा दूध चाहिए, या तो भैंस का निकलवा के लाए या फिर फुल क्रीम दूध डेयरी से लेकर के आएँ। दही जमाने के लिए पतला दूध नहीं चाहिए, पतले दूध का दही उतना अच्छा नहीं बनता। दही जमाने के लिए हमें दूध बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए, क्योंकि दूध हमारा पहले से बॉयल था तो इसे हमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हम देख लें कि दूध हमारा हल्का गर्म हो गया है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि दूध हमारा बिल्कुल हल्का गर्म हो गया है। गैस बंद कर देते हैं और अब हम इस दूध से दही जमाते हैं। दही को हम गर्मी के दिनों में किसी भी प्याले में जमा सकते हैं। दूध हमने गुनगुना किया, हल्का गर्म किया और प्याले में डाल दिया, और ये जो हमने एक चम्मच दही रखा है, बस एक चम्मच दही काफ़ी रहता है 500 ग्राम दूध के लिए। दही डाल दिया और ढक कर के रख दिया। दही हमारा जम कर के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ गई है तो हमारा दही उन प्यालों में बहुत देर से जमता है। उसके लिए अगर हम कैसरोल ले लें तो दही हमारा 5-6 घंटे में जम करके तैयार हो जाता है और अच्छा दही जमता है। तो ये हमने कैसरोल ले लिया है दही जमाने के लिए। दूध हमारा हल्का गर्म हो गया है, दूध को हम कैसरोल में डाल देंगे। दूध हमने हल्का गर्म किया है, दही हम तुरंत जमा सकते हैं। अगर हम दूध को बॉईल कर रहे होते, दूध हम लाए हैं तो पहला काम हमारा दूध को बॉईल करना है। ऐसे ही कच्चा या दूध को हल्का गर्म करके नहीं जमाएंगे। दूध अगर लाए हैं तो पहले बॉईल करेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, तब दही जमाएंगे। लेकिन ये दूध हमारा पहले से बॉईल था, इसलिए हमने इसको हल्का गर्म किया और कैसरोल में डाल, और अब हम इसका दही जमा देते। तो जस्ट हमें क्या कर रहे हैं, ये जो दही है एक चम्मच, वो हमें दूध में डालना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि हम इसे मिक्स करें, फेंटें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको बंद करके 5 या 6 घंटे के लिए रख देंगे और जब आप खोलेंगे आपको दही जमा हुआ मिलेगा। 6 घंटे हो गए हैं और हमारा दही जम करके तैयार है। बहुत ही अच्छा दही जमा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही है। और ये तो आपने देख लिया कि दही जमाना कितना आसान है। आप दही जमाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार nishamadhulika.com पर फिर से मिलते हैं।